एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बालों को काला करने का, लंबा करने का और बालों का हेयर फॉल जो हो रहा है उसे बंद करने का बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताऊंगी जो 100% वर्क करता है। आप इसको लगातार 2 से 3 महीने यूज़ करोगे तो 100% आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगेंगे। तो ये देखिए, ये है आज की रेमेडी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम चीज़ों से आसानी से घर पर आप इसको 5 से 10 मिनट के अंदर ही बनाकर रेडी कर सकते हो और ये बहुत ही कमाल का वर्क करती है। जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की है वो सब के सब आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप अपने बालों को अच्छा करना चाहते हो तो अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास होगी ही। तो फर्स्ट बार जो आया है मेरे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और जो लगातार मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी रेमेडी यूज़ करने के बाद उनका रिजल्ट हमारे से आप शेयर ज़रूर किया करो ताकि दूसरे लोग भी देखकर सीख सके कि हाँ ये रेमेडी वर्क करती है और वो भी यूज़ करना स्टार्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मैंने हमेशा बोला है एक लोहे का बर्तन ले लो। लोहे का बर्तन जो है उसमें आयरन के तत्व होते हैं। आयरन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके हेयर फॉल का। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी रखा है, उसमें लिया है रोज़मेरी की ड्राई लीव्स। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके हेयर फॉल को बंद करता है। तो ये जो है यहाँ पर ऑयल मैंने बोल दिया, सॉरी, यहाँ पर ड्राई लीव्स है ये रोज़मेरी की। तो मैंने ये ली है आधा चम्मच, ठीक है। आप, मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ चम्मच वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर आपको छोटी चम्मच लेनी है। और उतना ही मैंने यहाँ पर लिया है मेथी दाना। मेथी दाना में भी विटामिन ए, के, सी, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, फोलिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बालों को ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है आंवला। 2-4 पीस ही, छोटे छोटे से टुकड़े मेरे पास पड़े हुए थे, मतलब कि 50 ग्राम या 25 ग्राम के करीब यहाँ पर फ्रेश आंवला मैंने लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ड्राई आंवला यूज़ कर सकते हो, वो भी नहीं है तो आंवले का पाउडर जो मिलता है मार्केट में वो आप यूज़ कर सकते हो आधा चम्मच के करीब। ये सारी चीज़ें मैंने गैस पर रख दी हैं और अच्छी तरीके से हम इसको बॉयल करने वाले हैं। इसमें लास्ट में मैं एक और चीज़ डालूँगी जो कि मैं शुरुआत में आपको दिखाना भूल गई थी। यहाँ पर मेरे पास है करी लीव्स, इसमें भी कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और B, इसमें फाइबर होता है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ों में सबसे जो मेन पॉइंट जो होता है या फिर मेन तत्व जो होता है वो आपके बालों को उगने में हेल्प करता है और आपके बालों का जो हेयर फॉल हो रहा है उसे बंद करता है और आपके बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में ज़रूर होंगी। इन सारी चीज़ों को आप खाने के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो और आप इनका हेयर पैक बनाकर, हेयर टोनर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। तो करी लीव्स और यहाँ पर मेथी दाना, आंवला, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने खाने में जो कुछ भी बनाते हो उसमें डालकर ज़रूर यूज़ करो। अगर आपको तरीका नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे इन सारी चीज़ों का यूज़ आप अपने खाने में कर सकते हो या अपने डाइट में इसको शामिल कर सकते हो। यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है और उस पर धीरे धीरे करके मैं इसको अच्छी तरीके से पका रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो अपनी जो बर्तन आपने रखा है उस बर्तन को आप लिड लगाकर गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे कर देना और अब बहुत धीरे धीरे करके इसको अच्छी तरीके से पकाना ताकि जितनी भी गुडनेस है इन चारों पांचों चीज़ों की वो सब इसमें आ जाए, ठीक है। पानी अगर आपने आधा ग्लास रखा है तो इतना कर लेना कि वो आधा कप के करीब हो जाए। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। और ये देखिए, बनाते बनाते, पकाते पकाते ये पानी जो है बिल्कुल बहुत ज़रा सा हो गया है, मतलब आधा कप के जितना ये पानी हो गया है। तो आप इसे टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आगे मैं प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। ठंडा करने के बाद मैंने इसको छान लिया है, एक बर्तन ले लिया है मैंने, कटोरी वो खाली है इसलिए मैं हमेशा पलट कर दिखाती हूँ। तो मैंने इसको छान लिया है, ये देखिए आधा कप से भी ये पानी कम हो गया है। टोनर की तरह भी यूज़ करोगे दिन में 2 से 3 बार तो भी ये बेस्ट रिजल्ट देगा। इसमें जो आगे चीज़ मैं दिखा रही हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए, छानने के बाद ये जो वेस्ट बच गया है आप इसको पीस कर और इसको हेयर पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे यूज़ कर लेना, पहले ये वाला यूज़ करना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं ट्री टी ऑयल इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियल ऑयल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिंक दी हुई है, आप उसको वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने डाला है कैस्टर ऑयल आधा चम्मच के करीब, ये भी आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नए बालों को उगने में हेल्प करता है। उसके बाद आधा से एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाला है एलोवेरा जेल मार्केट वाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश वाला भी ले सकते हो। फ्रेश वाला लेने से ये थोड़ा सा पतला पतला बनेगा, मार्केट वाला लोगे तो ये क्रीम टाइप का बन जाएगा। दोनों में से कोई भी आप यूज़ करो, दोनों के रिज़ल्ट अच्छे ही मिलेंगे आपको। तो देखिए, अगर आपके पास एलोवेरा किसी भी तरह का नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो और उसको इसकी जगह पर इसी तरह से आप अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर आपको जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं, और बहुत सी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड जो है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से कूपन कोड को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बालों की लेंथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये देखिए मेरे बाल। अब इसके बाद मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी, फ्रंट से भी दिखाऊंगी और बैक से भी दिखाऊंगी कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप 10-15 बार यूज़ करोगे तो ज़रूर उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार दो बार करने से नहीं मिलता है। जितनी भी होम मेड रेमेडी होती है, होम मेड डाई होती हैं, वो थोड़ा सा धीरे धीरे वर्क करती हैं। मार्केट की जो हमारी डाई होती है उनकी तरह नहीं होती है। मार्केट वाली डाई का नुकसान आप सबको पता ही है, ये होम मेड डाई का कोई नुकसान नहीं होता है। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेंगे लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आप चाहो तो इसे अपने फिंगर की हेल्प से यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से कर लो। यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अगर मेरे पास ब्रश नहीं होता तो मैं फिंगर में ग्लव्स पहनकर उसके बाद यूज़ करती, क्योंकि हमने इसमें आंवला यूज़ किया है तो उसकी वजह से हमारे नेल और हमारी फिंगर वगैरह जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अपने फिंगर और अपने नेल वगैरह सब शो किए थे कि किस वजह से कैसे मेरे जो नेल है वो ब्लैक हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को लगाइए, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बालों को काला करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में बोलती हूँ, बहुत से लोगों को अपने बालों को काला करना है और बहुत से लोगों को अपने बालों को ग्रो करना है। बहुत से लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, वो हेयर फॉल स्टॉप करना चाहते हैं। तो जितनी भी 3 से 4 चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको गिनवाई हैं, वो सारी चीज़ें इस एक रेमेडी की वजह से 100% ठीक हो जाएगी अगर आप इसको लगातार यूज़ करोगे। तो देखिए, मैंने फ्रंट एयर में इसको बहुत अच्छी तरीके से लगा लिया है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप इसको ऊपर ऊपर लगाओ, अंदर से मांग वगैरह निकाल कर अच्छी तरीके से रूट में लगाना है। रूट में किसी भी चीज़ को लगाओगे हेयर से जुड़ी हुई, तो वो अच्छा वर्क करती है और उसका रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो सभी जगह लगाने के बाद जिस तरह से हम हिना एप्लीकेशन करते हैं उस तरह से कर लेना, और इसको लगाने के बाद आप आधा घंटा वेट करो, और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। जिस दिन आप कोई डाई वगैरह यूज़ करते हो उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, कलर आपको डार्क चाहिए, तो नेक्स्ट डे ही शैम्पू यूज़ करना। और बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ एक शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ जो बेस्ट है। तो देखिए, अब इसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसको यूज़ करने के बाद मेरे बालों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। तो चलिए अब रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखिए, लगभग शाम के रात की पिक है ये। तो पहले लेंथ में देख लो हेयर, इसको लगाने के बाद हेयर की साइन बढ़ गई है, सॉफ्ट हो गए हैं, नरम मुलायम हो गए हैं, और मेरे हेयर थोड़े से कर्ली हैं तो वो स्ट्रेट हो गए हैं। तो आप इसको लगातार यूज़ करना। जिनके भी कर्ली हेयर हैं, अगर वो चाहते हैं स्ट्रेट हो जाएं तो वो भी हो जाएंगे। तो ये देखो, बैक साइड से पहले तो मैं दिखा रही हूँ लेंथ में, और साइन देखो बहुत अच्छी आ गई है। चलिए इसके बाद आपको फ्रंट से दिखाते हैं कि फ्रंट में इसने वर्क किया है या नहीं। फ्रंट में मेरे भी 8-10 हेयर जो हैं वो वाइट दिखते हैं मुझे, तो ये देख लीजिए। आपको भी दिख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं।